बात करें रेवाड़ी की, जहां ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद 75% किसानों की फसल को लेकर ज्यादातर गांव में ना सर्वे हुआ ना ही गिरदावरी हुई, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने कहा कि हर किसान की बर्बाद हुई फसलों का आकलन कर उन्हें कम से कम 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और जिन किसानों की खेतों में ही ओलावृष्टि से मौत हुई है उनके परिवार को 21 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दी जाए। उन्होंने मांगों को लेकर सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है, साथ ही कहा कि अगर किसानों को जल्द मुआवजा नहीं मिला तो रेवाड़ी में एक बड़ा किसान आंदोलन होगा। तो आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए और अगर देरी की जाती है या किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो रेवाड़ी में एक बड़ा किसान आंदोलन होगा। आपको बता दें रेवाड़ी में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों की फसल काफी ज्यादा बर्बाद हो गई है और ऐसे में चढ़ूनी ने कहा है कि अभी तक ना तो जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है और ना ही अभी तक किसी तरह की कोई गिरदावरी हुई है, तो ऐसे में उन्होंने जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की सरकार से मांग की है।